For a game in which every player has to play with every another player. For a game in which every player has to play with every another pair. Six men are available. Six men are available. Number of games which can be played. In a game, a player has to play with every. जैसे टेनिस की गेम होती है, डबल्स का होता है ना, दो लोग दो के साथ खेलते हैं, वैसा है क्वेश्चन ये कि एक जोड़ी को एक जोड़ी के साथ खेलना है और छह लोग हैं, मान लो ये है छह लोग, ए बी सी डी ई एफ, मैंने लिखे इस तरह कि मान लो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, अरे सही है, मतलब छह से दो दो के प्लेयर बनाने पड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब छह लोग दो दो के पहले ग्रुप बना दिया हमने, अरे सही है, तो ये ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट्स, सही है, ये तो बना लिए तुमने ग्रुप। अब देखो इनमें से जैसे ये दो दो के ग्रुप, तो गेम कैसे, देखो लिख रखा है ना, एक प्लेयर अलग अलग प्लेयर से खेल सकता है, मतलब इनमें से दो ग्रुप चुनने पड़ेंगे, किसमें से चुनने पड़ेंगे, ग्रुप्स में से, तो तीन ग्रुप में से दो चुनने पड़ेंगे और दो लोग कैसे एक तरीके से गेम खेल सकते हैं। अब तुम्हें समझ आया क्या गलती कर, ग्रुप में से उठाना है ना, 15 में से नहीं उठा देना, जो ग्रुप बने हैं उनमें से उठाने तुमने दो बंदे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर, अरे समझ आ गया सबको, नोट कर लो। Number of ways, 8 person can be seated in 3 different taxis, 8 persons can be seated in 3 different taxis each having three different seats duly numbered if internal arrangement matters. ठीक है, if internal arrangement matters. Second part है, if internal arrangement does not matters.
internal arrangement matters, if internal arrangement does not matter, number of ways, 8 person can be seated in 3 different taxis in which, मतलब taxi ऐसे बना रखी है ना, taxi, जैसे मान लो ऐसे taxi है, तो 3 seats हैं, है ना, और एक ही driver की seat है, driver भी होगा taxi में, सही है, करो try करो, बहुत अच्छा question है, सोच के करना है इसको है, ठीक है सर, ये नंबर है सीट नंबर 1 2 3 है ना, फिर ये दूसरी टैक्सी है इसमें ड्राइवर और ये तीसरी टैक्सी है, ऐसे ऐसे इसमें उसने कहा इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, मतलब जो ऐसे बैठ रहे हैं 1 2 3 अब ये कहीं और भी घूम सकते हैं, तो समझे मेरी बात, अगर यहां पैसेंजर 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर 3 बैठ गया, ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट बोल रखा ना मैटर करता है, मतलब यही तीन आगे कहीं नहीं जा सकते, अब तीन सेट हो गए, अरे समझ गए, क्योंकि तीन लोग तीन जगह पे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल, और ऐसे कितने हैं, 3 3 6 3 9 है, 9 में से 2 कितने बैठ रहे हैं, 8, तो पहले 9 में से 8 लोग चुने तुमने कि भाई तुम लोग बैठोगे, अरे 9 लोग में से 8 चुनोगे ना, 8 पर्सन है 9 जगह पे बिठाने, तो 9 जगह में से 8 जगह चुनी तुमने कि भाई ये वाली जगह पे मैं बिठाऊंगा, एक तो खाली रहेगी, कोई हो सकता है वो ये हो या ये हो या ये हो, कोई भी हो सकती है, दूसरी चीज हां इनटू क्या आएगा, इनको अरेंज करना है तो इनटू क्या जाएगा, 8 फैक्टोरियल, अरे जी समझ आया, क्यों अब इसमें क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, मतलब ये आपस में अरेंज हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इनका, अरे चीज समझ आई, इसको बोलते हैं इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है, अरे समझ गए, इंटरनल अरेंजमेंट मैट्रिक्स का मतलब समझ आया तुम्हें, यस सर, क्या होता है हुप्स, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल अरेंजमेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, मतलब पहले मतलब अंदर भी वो एक बार बैठे ना अरेंज कर सकते हो, हां इधर उधर, मतलब पहले सीट को एक जगह खड़ा कर दो, एक से नौ सेलेक्ट कर लो, आठ सीटें उनको अरेंज कर दो, उनको अरेंज कर दो, समझ गए, तो इंटरनल अरेंजमेंट ये सब समझ, सही कह रहा हूं कि जैसे ये 9 सीट्स है, 9 में से तुमने क्या किया, 1 से 9 सीटें रख दी, उसमें से एक हटा दी, 9 में से 8 चुनी और अंदर घूमते रहो ऐसे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर का मतलब क्या है कि तुमने बैठ दिया अब नहीं हिल सकते हो, समझ गए, तो यही कह रहा था मैं पहले भी, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स का मतलब है कि ये जगह आ गई तुम्हारे पास, आ जितनी भी आई है ना, 8 आ गई और ये आपस में हॉप करते रहे लोग, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर मतलब तुमने एक बार बिठा दिए अब तुम नहीं हिल सकते, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कितनी जगह है तुम्हारे, 8 लोग है ना, 8 में से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ग्रुप फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे सही है, कैसे बनाओगे ग्रुप, कैसे बनाओगे, 3 3 6 और 2 8 ऐसे ही बना सकते हो ना, और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे भी नहीं कर सकते, एक 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 बंदे ही नहीं आएंगे पूरे, ये ग्रुप फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो क्या क्या होता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये वाला हटा दिया था, टैक्सी वाला, अच्छा ये हटा दिया था तभी भी, हां तो पहले मतलब मेरा बोलने का मतलब जो भी बच्चे ये वाला इसका आंसर बोल रहे थे, तुमने क्या किया, इंटरनल अरेंजमेंट का क्या कर दिया, तुमने रोक दी उसमें, हां अरे समझ गए, और इंटरनल अरेंजमेंट उसने लिख रखा है कि मैटर्स मतलब कर लो अरेंजमेंट, तो इंटरनली 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करने का, 3 फैक्टर 8 लोगों को 8 जगह अरेंज करने का, 8 फैक्टर, और इसमें क्या था, इंटरनल इंटरनली अरेंज भी हो सकता है, ग्रुप बनाओ भाई, ये वाला ग्रुप इस टैक्सी में जाओ, ये वाला इस ग्रुप में टैक्सी में जाओ, ये वाला इसमें, ये इसमें, और वो हिल तो सकते नहीं है, तो ग्रुप बनाया और सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अरे ठीक है, समझ आ रहा सबको, ये नोट कर लो, फ्रंट एंड 3 एट बैक,
there are three seats in front. Is shorter than person directly behind him. So that
समझ गए सॉल्यूशन में क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसे चूज करने हैं चार जूते कि पैर ना बने कोई, ठीक है? करो ट्राई करो लिखो पहला तरीका कितने हैं जूते कितने हैं पांच है ना एक रैक है ना यस सर एक दो तीन चार है ना लेफ्ट वन राइट वन लेफ्ट टू राइट वन लेफ्ट थ्री राइट थ्री लेफ्ट फोर राइट फोर लेफ्ट फाइव राइट फाइव ये जूतों के पेयर रखे हैं देखो एक तरीका तो क्या है तुम क्या कर सकते हो चारों यहां से उठा लिए ठीक है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा लेफ्ट साइड से 5c4 ये चारों उठा लिए नई पेयर बना या फिर क्या करो ठीक है दो विंडो ले लो मतलब इस विंडो में ये सारे आ गए या फिर क्या करो यहां से तीन उठाओ और यहां एक विंडो बन जाएगी है ना इन दो में से एक उठाओ अरे समझ गए ये चीज समझ आ रही है yes, तो क्या लिखोगे यहाँ पे फिर 5c3 इन पांच में से तुमने क्या उठाया तीन उठाया एंड उन दोनों में से एक उठाया दोनों को भी उठा लो चार ही बनाना है यस सर या फिर क्या किया इन पांच में से दो उठाए और अरे सही है और इन तीन में से दो उठाए अरे सही है या फिर इन पांच में से एक उठाया और बाकी के चार में से तीन उठाइए बढ़ गई ना यहाँ तक अरे ठीक है और या फिर इन पांचों में से कुछ नहीं उठाया और राइट से उठा दिए अरे ये चीज समझ आई तो क्या आएगा 5c4 प्लस 5c3 इनटू 2c1 प्लस 5c2 इनटू 3c2 प्लस 5c1 इनटू 4c3 प्लस 5c4 समझ गए क्या किया मैंने लेफ्ट साइड से एक विंडो बनाई मतलब उठाने की और यहाँ से क्या ये वाली चीज बड़ी होती गई और ये वाली चीज छोटी होती गई अरे समझ गए ये तरीका सबको समझ आया ठीक है तो ये चीज क्या बता रही है ये वाली चीज ये बता रही है लेफ्ट वाला जूता अरे सही है और ये वाली चीज क्या बता रही है राइट वाला जूता है ना लेफ्ट वाले साइड से तीन उठाए और राइट वाले दो में से एक उठा लिया अरे ये चीज समझ आई अब इसका मेथड टू देखो या तो मेथड वन से निकालो या फिर क्या करो पांच में से चार पैर उठा लिए ये पांच पैर है ना क्या करा तुमने पांच में से चार पैर उठा लिए मान लो ये चार आ गए फिर क्या करो उन चारों में से एक एक जूता उठा लो 2c1 into 2c1 into 2c1 ये तुम्हारा आंसर पांच में से चार उठाए और उन चारों में से एक एक जूता उठा लो ये तुम्हारा आंसर अरे ये चीज समझ आई तो ये दो तरीके हैं सवाल को करने ठीक है नोट कर लो इसे तो क्वेश्चन लिखो सिक्स न्यूली मैरिड कपल आर इन ए बर्थडे पार्टी सिक्स न्यूली मैरिड कपल खुश हो गया मैरिड कपल के नाम से खुश शादी के विचार आगे बढ़ते सिक्स न्यूली मैरिड कपल आर इन ए बर्थडे पार्टी आर इन ए बर्थडे पार्टी इन हाउ मेनी वेज फोर पर्सन कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज फोर पर्सन कैन बी सेलेक्टेड so that they form so that
दे फॉर्म पहला ऑप्शन है नो बबल ये कंडोरी जैसे सेलेक्ट ऐसे करूंगा कि किसी को एक साथ नहीं रहने दूंगा नो कपल ठीक है दूसरा एग्जैक्टली वन कपल ठीक है तीसरा एटलीस्ट वन कपल एटमोस्ट वन कपल का क्या मतलब होता है
हाँ या तो क्या हो हाँ तो या तो क्या हो जीरो कपल या फिर वन कपल तो वन कपल का आंसर निकाल लिया ना तुमने अच्छा जीरो कपल का पहला पार्ट है आंसर और वन कपल का सेकंड पार्ट है ये तुम्हारा आंसर अरे समझ गए अरे ठीक है balls of same color are alike
ठीक है, सेम कलर की बॉल्स क्या है, एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। मतलब फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड। क्या करो, इनके गैप कितने गैप बनाएंगे, 22 गैप बनेंगे। तो सबसे पहले कैसे है ना, अरेंज रिमेनिंग कितनी है, बाकी चीजें कितनी है, व्हाइट बार एक करो पहले, 21 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे और डिवाइड बाय भी क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा ना, क्योंकि अलाई में वो मल्टीप्लाइड आइडेंटिफाइड गैप्स, कितने गैप बनाए तुमने, 22 में कितने बिठानी है, 19, और फिर अरेंज इन 19 को अरेंज करते हैं, 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल, अरे सही है, और दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 22C3, ये चीज बराबर है ना उसके, कई बार ऑप्शन में आंसर इसमें दे रखा हूँ, ठीक है बेटा, कर लो नोट, कर लो, ये क्या है अरेंज रिमेनिंग, ये क्या है आइडेंटिफाई गैप्स, ये क्या है अरेंजमेंट इन गैप्स, ठीक है, और ये डिवीजन किस चीज का है, अलाइव चीजों का, ठीक है, ये वर्ड दे रखा है असैसिनेशन, AWSASINATION, पहला पार्ट है वेज टू अरेंज सच दैट नो टू वॉवल्स आर कॉन्स्टिट्यूटिव, वेज टू अरेंज, वेज टू अरेंज such that no two vowels are consecutive, ये तुम्हारा आंसर।
to arrange such that no two s are together. No two s are together. टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें 13 है और एस कितने हैं उसमें 4 बचे कितने 9 अरेंज रिमेनिंग 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस के अलावा क्या क्या सेम है 3 2 और अरे यही है ना यस सर 3 2 2 3 2 और 2 अरे सही है यस सर डिवाइड क्या आएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 के गैप्स कितने बनाए 10 में एस कितने हैं 4 और चार क्या है आइडेंटिकल ही है ना अरेंज करोगे चारों को क्या लिखोगे फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल ये तुम्हारा आंसर अरे सही है yes, इससे अगला पार्ट लिखो वेज टू अरेंज वेज टू अरेंज कीपिंग पोजीशन ऑफ वॉवल्स फिक्स्ड वॉवल क्या क्या है इसमें ए आई ओ वो कह रहे कि ये फिक्सर है ठीक है मतलब वॉवल्स की पोजीशन फिक्स रहे तो क्या आएगा वॉवल फिक्स रहे मतलब बाकी आपस में अरेंज होते रहे तो क्या आएगा बाकी है कितने सांस अरे साथ ही है ना yes, साथ कॉन्सोनेंट है yes, तो क्या आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये आप समझ आने लग गया हो तुम्हें बड़ी फील आ रही होगी उस चीज की कि वॉवल फिक्स हो गए बाकी मूव करते रहे कितने मूव कर सकते हैं जो आइडेंटिकल है डिवाइड हो जाएंगे ठीक है अगला लिखो वेज टू अरेंज without changing relative order of vowels and consonants मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जैसे वॉवल है ना और यहाँ कॉन्सोनेंट है इनकी जगह चेंज ना हो और अरेंज मतलब ये ए और ये तीन ए और ये आई ये आपस में चेंज हो सकते हैं और ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं जैसे एस और एन ठीक है पर पोजीशन सेम ही रहे कौन मतलब रिलेटिव पोजीशन मतलब इसके आगे ये कॉन्सोनेंट ही आए इसके आगे ये वॉवल ही आए ये वॉवल आपस में चेंज हो सकते ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हो अरे सही है ये आपस में हॉप कर ले कोई बात नहीं ठीक है और ये कॉन्सोनेंट आपस में हॉप कर ले कोई बात नहीं ठीक है तो कंसेक्यूटिव रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए उनकी अरे ठीक है तो क्या आएगा आंसर देखो कॉन्सोनेंट अरेंज हो सकते हैं आपस में क्या तरीका उसका 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और वॉवल्स वॉवल आपस में जो अरेंज होते रहे ठीक है तो वॉवल्स का क्या है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल ये तुम्हारा आंसर यस सर कि वॉवल्स आपस में हॉप करते रहे कॉन्सोनेंट आपस में हॉप करते रहे अरे ठीक है यस सर समझ आ गया सबको यस सर कोई डाउट तो नहीं इसमें नो सर नोट कर लो